हेलो दोस्तों, आज मैं प्लेस वैल्यू पर क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 मॉर्निंग के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या मॉर्निंग में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021। देखो, डेट सिर्फ क्या है, 6 का अंतर है, 6 दिनों बाद जो पेपर हुआ था, और ये इवनिंग में जो पेपर हुआ था उस पेपर में यह क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था एनटीपीसी में। सोच लीजिए, इतना सस्ते सस्ते सवाल। तो देखिए, इसको आप प्लेस वैल्यू कैसे पता लगाओ कि ये 2 कौड़ी के सवाल है भाई। ये क्या है, 2 कौड़ी के सवाल है। इसका आपका प्लेस वैल्यू जो होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 21,624 है, राइट। अब यहाँ पर इसको आप कैसे पता लगाओ, ये ध्यान देना, ये जो मान दिया 7,1,624। अब इसमें 7 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है क्या, 7 का प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान पूछ रहा है क्या। स्थानीय मान क्या होता है, तो स्थानीय मान देखो बेटा, इसमें 7 कह रहा है, इसमें कितने मतलब यहाँ पर स्थानीय मान क्या होगा 7 का। तो देखो, इसमें 7 कहाँ है, 7 यहाँ पास है ना, जो 7 है उसको ले लो। उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उन सभी को हम लोग 0 के रूप में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। उन सभी को क्या करेंगे, 0 के रूप में लिख लेंगे। तो इसका 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 70,000। 70,000 कहीं है, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला सही हो जाएगा, राइट। अब उसी प्रकार नीचे वाला वही है, सेम टू सेम संख्या, उसको मैंने इंग्लिश में रख दिया, इसको हिंदी में रख दिया। ये संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या 5 में स्थानीय, 5 का स्थानीय मान, जैसे 5 है 5, 6 है 6, 7 है 7, 8 है 8, 9 है 9, 2 है 2, 1 है 1, 4 है 4। अब 5 का स्थानीय मान देखो, इधर ले चलो, कहाँ है 5, यहाँ पास है ना, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लो। बाकी जो है सभी क्या करो, 0 लिख, सभी क्या कर लो, 0 लिख लो, सभी 0 लिख लो, सभी 0 लिख लो भाई, सभी को 0 लिख लो। तो यहाँ पर कहीं मैच होगा। अब यहाँ पर घात के रूप में दिया है, घात के रूप में बना लो बेटा, 5 है 5 लिख लो बेटा 5। अब देखो 10 लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 0, 7 घात लगा लो, कहीं है देखो, ये 5 × 10⁻⁷, ये आपका क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए कि यहीं पास मैं ये कह दूं, इसका प्लेस वैल्यू हटा करके, ये प्लेस वैल्यू हटा करके यहाँ पर जाति मान पूछ ले क्या, जाति मान, अगर यहीं पर स्थानीय मान के स्थान पर जाति मान पूछ ले क्या, स्थानीय मान के स्थान पर जाति मान क्या होगा, जाति मान। तो इसमें आपका जाति मान क्या होगा, 5 केवल होगा, जो आपका रहेगा वही आपका क्या होगा, जाति मान हो जाएगा। बस सिंपल सा ट्रिक है, ओके। तो यदि ट्रिक अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करने को कहो अपने दोस्तों को, और स्टेटस लगाओ, ओके। थैंक यू, गुड नाइट।